की हम परिकल्पना करते हैं, जिस भारत की बात हम करना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा राहुल भाई का कि इस क्या नाम डिबेट तो मैं नहीं कहूंगा, इस महफिल में आपने मुझे बुलाया। कारण है कि आजकल डिबेट का मतलब तो तू तू मैं हो गया है, तेरी गलती मेरी गलती, फलाने की गलती ढिमके की गलती। तो मैं एक चीज तो बड़ी साफ कह दूं कि भारत के आप प्रत्येक नागरिक भारतीय है और हमें किसी से कोई नफरत नहीं, चाहे वो भाजपा को मानने वाला हो, संघ को मानने वाला हो, क्या नाम किसी भी ऐसी विचारधारा को जो भी मानने वाला, जो हमसे संबंध नहीं रखती है लेकिन वो संविधान को मानने वाला हो तो वो भारतीय है, उसका पूरा पूरा प्रणाम है, मतांतर के साथ प्रणाम है उसको, एक बात। और हर पार्टी को अपनी अपनी बात रखने का लोगों में हक है। हम 1925 से जिस विचारधारा के मुखालिफ लड़ते आ रहे हैं वो 2014 में आकर के इतनी पुष्पित और इतनी पल्लवित हुई कि उसका पूरी तरीके से सरकार आ गई। इससे पहले भी उन्होंने सरकार, आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि 1977 में पूरा के पूरे जनसंघ को विलय कर दिया था, जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता की बात आ गई थी, आपके सामने है सारी चीजें। तो उसके बाद 89 में क्या हुआ, सब लोग कांग्रेस के मुखालिफ खड़े होकर के जो है अपने अपने राजनीतिक स्थान को प्राप्त करने की बात कर रहे थे उस वक्त। आज इस यात्रा की आवश्यकता, जो अडवाणी जी की आप बात कर रहे हैं, अडवाणी जी की यात्रा और इस यात्रा का कोई मेल है ही नहीं। वो मेल इसलिए नहीं है कि वो यात्रा शुद्ध रूप से राम के नाम को बेचने की यात्रा थी। वो यात्रा में आपने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को, भारतीय जनता पार्टी की गंदगी को, हिंदू मुसलमान की गंदगी को, और जो 70-80 सालों से, जो 1925 से वो लोग बातें कर रहे थे, उन सबको उन्होंने धर्म के पीछे छुपा दिया। और उस धर्म के पीछे छुपा करके जो सारी चीजें उन लोगों ने की उसका प्रतिफल था। और एक लंबे समय तक, चूंकि लंबे कालखंड तक कांग्रेस लगातार चुनी जाती रही, कांग्रेस कभी कोई राजशाही में तो बात नहीं की, हर साल हर 5 साल में कांग्रेस जनादेश मिलता था कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं थी। कांग्रेस उस ड्यूरेशन में टूटी भी, कांग्रेस में कमियां भी आई। सारी चीजों के साथ साथ जो हम लोगों में जो बड़ी कमी आई, डॉक्टर साहब के सामने कह सकता हूं, जो गांधीवादी विचार पर चिंतन करने की परंपरा की कमी थी, हम स्वीकारते हैं खुलेआम गांधी चिंतन पर स्वीकार करने की, जो चिंतन करने की परंपरा थी वो हमने, गांधी आश्रम के भाई जी कहाँ चले गए हमारी समझ में नहीं आता। आप देखिए ना, गांधी आश्रम पूरे देश में कितना बड़ा एक आंदोलन था। उसके बाद आप इस चीज को देखिए कि राशन की दुकानें जो हम लोगों ने दी थी उस ड्यूरेशन में, किन लोगों को दी थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को, उनके परिवारों को, गांव गांव में जो हमारे, हमने कांग्रेसियों को नहीं दी, जो स्वतंतता संग्राम सेनानी थे उनके परिवारों को, क्योंकि इनका परिवारों का घर 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 का खर्चा कैसे चलेगा आप बताओ उनको। तो ये सारी, ये जितनी ये चिंतन की परंपराएं थी उसको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बफर जोन थे, कांग्रेस के सपोर्टिव जोन थे, उनसे शायद चर्चा या हम लोगों की बात कहीं ना कहीं सत्ता जनित कमजोरियों की वजह से कम हुई, जिसका रिजल्टेंट आज की डेट में हम भुगत रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, हम कम भुगत रहे हैं, हम तो सर्वाइव कर लेंगे, इंडिविजुअल आदमी कोई भी कहीं भी सर्वाइव कर लेता है, जंगल में भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन उन कमियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। कामरेड एम फारूकी की बात मैं छोटी सी कह देता हूं आपसे कि एक दिल्ली में बैठक चल रही थी 2002 की बात है, तो बाकी सब लोग थे वहां पर, कामरेड सुजीत थे, क्या नाम, सोनिया जी अध्यक्षता कर रही थी उस बैठक की, तमाम लोग उसमें मंच पे सब लोग बैठ, प्रकाश कराज साहब बैठे हुए थे, तमाम लोग बैठे हुए थे, राजा साहब थे, हरकिशन सुखजीत साहब थे। तो जैसे ही कामरेड फारूकी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई सोनिया जी मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि हम जैसे छोटे दल जब कोई गलती करते हैं तो देश की जनता हमें सजा दे देती है, हमें पार्टी हमारे दल को सत्ता से बाहर कर देती है, लेकिन अगर कांग्रेस जब गलती करती है तो देश सजा भुगतता है। और ये कह करके उनको हार्ट अटैक पड़ गया, सोनिया जी लेकर के भागी उनको सरगंगाराम, और ये अपने आप में सच, उसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु भी हो गई थी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जब गलती करती है तो आज जो हम लोगों ने हमारी कमियां, जिनकी वजह से भाजपा सत्ता में आई, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, हम
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।